क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? अरे नहीं अम्मा, हर पुलिस स्टेशन में पता किया लेकिन वो यही कहते हैं कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो गई कहाँ। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मिल जाएगी। पता नहीं है मैं उसे देख भी पाऊंगा या नहीं। शुक्र खुदा का, जान छूटी उस मनुष्य से हमारी। अम्मा मैं जा रहा हूँ। बेटा 2 दिन की छुट्टी ले ले। हो गया अम्मा, 2 दिन से घर पे ही तो बैठा हुआ था मैं, और वैसे भी मेरी गाड़ी ना से चला रहा है, कितनी बुरी बात है। अच्छा ठीक है, नाश्ता करके जा। मैं नाश्ता? नहीं अम्मा, भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है मेरा, देर हो रही है। रात मत लगाना, जल्दी आ जाना। नहीं नहीं अब्बा, शाम तक वापस। हाँ जरा ध्यान से गाड़ी चलाया कर। अच्छा जान, मुझे फिक्र रहती है तेरी, जा अल्लाह के हवाले। अब्बा अल्लाह तेरी हिफाजत करे। अम्मा को तंग मत करना वरना इनका मेरा ताल्लुक खत्म। मैं पानदान मारूंगा सर। वादा करिए, कब चाय बना दे जा। ए लो, सुबह होती नहीं है और तुम्हारे लिए चाय की देख चढ़ा दो। तौबा है, जा रही हूँ बना के लाती हूँ। हाँ तो अच्छा, अल्लाह करे मर जाए लक्का लक्कू, मेरी तो जान छूटे ना। अरे सिद्रा बैठे, अब आप बर्तन बर्तन नहीं धोएंगे। मैं आपको मेहंदी लगा रही, कलर बहुत अच्छा आना चाहिए। अच्छा भाई सिद्रा, पे क्या मेरा आप क्यों मेहंदी लगाएंगी? खुशी अब पहले मैं तुम्हारी अम्मी को लगा दूं, फिर तुम्हारे गाने। सच्ची? मुच्ची। भाभी आज अम्मा आपके लिए सूट लेने जा रही हैं, आपको अपनी पसंद का कोई कलर मंगाना है तो आप बता दें। नहीं सिसरा, अम्मी जो भी कलर लाएंगी, जैसा भी सूट होगा, मुझे यकीनन पसंद आएगा। वैसे तो मेरी यही कोशिश है, मैं अम्मा के साथ ही जाऊं। हाँ तो जाओ ना, एंजॉय करोगी तुम। और सिद्रा पे मेरा सूट? आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गुलशन आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो बेटा? बस इधर ही घर की सेल में बिजी हूँ। अरे बेटा बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, हाशिम का वलीमा है। आज है वलीमा? नहीं नहीं वलीमा तो कल है। आज हम लोगों ने ढोलकी रखी है, बस तुम अम्मा को बता देना कि मैं वहीं रुकूंगा। चलो ठीक है, मैं कह दूंगा। हाशिम है घर पे? नहीं हाशिम तो काम पर गया है। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगा। चलो जल्दी आ जाना। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखो, अल्लाह के अमान। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो बेटा आपका, आप यहीं रहोगे कमरे में ठीक है? मुझे भी तैयार होना है, मुझे भी चूड़ियां पहननी है, मैं भी चलूंगी शादी में। मैंने आपको बोला ना आप यहीं रहोगे कमरे में, मैं थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए ले जाऊं। नहीं मैं भी चलूंगी। खुशी क्या कहूँ तुम्हें? अम्मी मुझे ऐसे बात नहीं करनी, मैं आपसे नाराज। भाभी अब इसे आप ही समझाएं। ऐसी खुशी है ये जो मेरी बेटी नहीं देख सकती, खुश नहीं हो सकती, शरीक नहीं हो सकती। मैं दुल्हन बनी, फूलों में सजी, अपने शौहर के लिए मुस्कुराहट बिखेरे बैठी होंगी, लेकिन मेरा दिल रो रहा होगा
कि मेरी बेटी एक अंधेरे कमरे में तन्हा बैठी रो रही है। या अल्लाह क्या करूं, अकेले इस मासूम को कैसे समझाऊं? एक घर बनाने के लिए कितने अरमान खत्म करने पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी के बाद खुशी का मुस्तकबिल बन जाएगा। पर मैं अभी इस मासूम बच्ची को कैसे समझाऊं? कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी है ना? अरे भाई बात सुनो, तुम लोग अपना अपना काम संभाल लो, मैं बाजार जा रही हूँ कमल का जोड़ा लेने। अम्मा मैं भी चलूंगी। तुम परसों तो गई थी? अम्मा भाभी से पूछे, सलीम भाई सर पर आके बैठ गए थे। अच्छा भाई चली चलना। बात सुनो फरा बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं अम्मा रहने दे, मेरे पास पहले इतने जोड़े पड़े हुए। अच्छा चलो ठीक है। कमल बेटा तुम्हारा जोड़ा किस कलर का लेकर आऊं? अम्मी जो रंग आपको पसंद हो। हाँ आप जो रंग भी लाएंगी वो जोड़ा मुझे पसंद ही आएगा। जीते रहो बेटा। अच्छा दामाद के लिए भी कुछ लेकर आती हूँ? हाँ हाँ अम्मा उनके लिए कुछ लेके आइएगा जरूर। चलो ठीक है, अब चलना है तो चलो। हाँ चले, आप ही बातें करो। और हाँ बात सुनो, अगर कोई मेहमान आए तो तुम उनको बिठा लेना, हम अभी होके आते हैं। जी अम्मा। और कमल बेटा तुम घर का कोई काम मत करना, अब काम शाजिया करेगी सारा। अब चले भी। और मेरा बुरखा तो लेके आ ला, और साथ पर्स भी उठा के ले आना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा तो नहीं है घर पे, वो तो बाजार गई है। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं नहीं आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं मैं चाय नहीं पीता। तो मैं आपके लिए कुछ और मंगवा दूंगी। नहीं देखिए आप तकल्लुफ नहीं करें, हाशिम का है ये वक्त, तो सबके काम का है, सब अपने अपने काम पे चले गए। लगता है मैं ही फारिग हूँ। आप मेहमान हैं। देखें सामान भी रखा है, मैं जरा मोहल्ले से घूम कर आ जाता हूँ, तब तक सब आ भी जाएंगे। जी अम्मा भी आ जाएंगे। चले बैठे। अरे नासिर क्या हाल है? अबे शजी तू इतना कमजोर हो गया, तू तो क्या हाल है? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो अपनी सुना। अरे बिल्कुल अंग्रेजी बाबू हो गया मैं तू। बस जैसा देश वैसा भेस। अबे तुझे कुछ जगह बदल ली है? बिल्कुल, बस यार कुछ घर और दुकानें वगैरह बेचनी थी, इस चक्कर में आया हूँ। अच्छा। अरे शजी दादा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, तू बता। बस घर से आ रहा हूँ, अभी का फोन आया था तेरा वलीमा जो है। अरे दोस्तों के बगैर हर चीज अधूरी है, दादा फोन तो कर। अबे यहाँ दोस्तों, यहाँ दिल नवाज को बुलाता हूँ। हाँ बिल्कुल। अब्बा हाँ, चाय बना दूँ आपके लिए? नहीं बेटा जी नहीं जा रहा। शाजिया तुम अपने घर कार्ड दे आई हो कि नहीं? नहीं मैं कैसे जाती, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला घर के कामों में। माशू कले तुम ऐसा करो, शाजिया के साथ चले जाओ और जाके इनके घर वालों को काट दे आओ। गुरजन तू जल्दी, मेरे पैरों में दर्द है, मैं नहीं जा सकता, तू चली जा। मैं कैसे जाऊँ, मैं तो अभी आके बैठी और मैं थक गई हूँ। सलीम को भेज दे। सलीम भी तो नहीं है ना, तुम ऐसा करो लो उसे फोन कर। अच्छा मैं करता हूँ, वो भी बहुत मसरूफ हो गया ना।
सलीम कहाँ है तू भाई? आप काम पे हूँ मैं, क्यों खैरियत? अब कार्ड देने जाना है, शायद जा जाऊँगा। इधर काम पे मैं, वो गाड़ियां भी देनी है बहुत सारी, मैं नहीं जा सकता। अरे सबके वहाँ कार्ड चले गया, उसके वहाँ कोई भी नहीं लेने गया, जाना है। हाँ तो सही है ना, फोन पे दावा दे दो। नहीं फोन पे यार, जाना चाहिए भाई, खुद जाना चाहिए, फोन पे नहीं। चल ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ सही है, कर लो। गुलाम भाई अबे ओ बात सुन, क्या कह रहा था? अरे इंतजाम खाने कर रहा है, गैराज भी देख रहा है, करेगा क्या बेचारा? फिर क्या करे माशूक अली, कौन जाएगा? ऐसा करते फोन पे कह देते। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? सबके पास कार्ड चले गए, बहू के घर फोन पे नहीं, खुद जाएंगे। तो क्या करें बताओ तो सही। समझ गया मैं क्या कहना चाह रही थी, हाशिम आए उससे पूछ दे, उसके साथ चली जाएगी। चलो ऐसा कर, हाँ जा बेटा चाय ले आ। चले रख ले, तू भी बुला ले, किसी को बुलाना, तेरी बहुत सी चाचियां खालाएं मामियां हैं। सरजील बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जी खाला, हुकुम करें। वो शाजिया के घर वालों को हम लोग कार्ड नहीं दे सके, मैंने हाशिम से कहा तो वो कहने लगा सरजील को भेज दो। पर खाला मैं अब तक ना सलीम भाई से मिला हूँ और ना उनकी बेगम से। अच्छा तो मैं भी मिला देती हूँ। शाजिया, शाजिया। जी अम्मा। क्या करें मजबूरी है बेटा, मैंने माशूक अली से कहा था लेकिन वो भी नहीं जा सकते और मैं भी अभी थक के बैठी हूँ और घर के इतने सारे काम है, क्या करें? ये है सलीम की बेगा। बेटा तुम ऐसा करो, शर्जील के साथ चली जाओ, अपने घर वालों को काट दो। जी मैं शॉल लेके आती हूँ। मेहरबानी होगी बेटा तुम्हारी, ध्यान से ले जाओ उसे। मैं और माशूक अली जाना तो चाह रहे थे लेकिन उनकी टांगों में दर्द हो रहा है और मैं भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है तो तुम दे आओ। जी बिल्कुल। अम्मी ये शर्जील हैं, सलीम के फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा। वो घर में सब मसरूफ थे तो मैं शाजिया को ले आया। अच्छा अच्छा किया। और बेटा कैसे आना हुआ? वो कल हाशिम का वलीमा है ना, इसीलिए घर में सब मसरूफ थे, मैं शर्जील के साथ आ गई। अरे तो फोन कर देती यार, मतलब आने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला भी था लेकिन सब मना कर रहे थे, घर पे बहुत काम थे, सब मसरूफ थे, मैं सबको फारिग नजर आया तो मैं शाजा को साथ ले आया। शर्जील आपके लिए चाय? हाँ भाई। कोल्ड ड्रिंक। अच्छा तो क्या करते हैं आप? अंकल वैसे तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ प्रॉपर्टी वगैरह थी वो पाकिस्तान में सेल करनी है तो इसलिए यहाँ आया हूँ। अच्छा शाजिया तो इतने दिनों के बाद आई है बेटा। अम्मी मुझे वक्त ही नहीं मिलता। हाँ जब तक मेरी आंखें पथरा ना जाए ना तो मुझे देखने नहीं आती।
अब ऐसे तो ना बोले आप। वालेकुम अस्सलाम। वो कार्ड दे दो मेरे को। कौन सा कार्ड बेटा? अरे वो नहीं है, वो शादिया के घरवालों को देना है शादी का। अरे बेटा वो तो मैंने शर्जील के हाथ भिजवा दिया है। क्या क्या बोली अम्मा? क्यों वो बेटा शर्जील घर का बच्चा है, कोई मसला नहीं। बाबा ऐसे अच्छा तो नहीं लगता है ना? अरे अच्छा लगे क्या बात है, कार्ड देने गया है, कल वलीमा है, कार्ड देना था, अच्छा थोड़ी लगना। और तुम्हारी बीवी कौन सी जल परी हुसन परी है, है? जिसे देख के हर लड़का उसके पीछे लग जाए। अब नाराज हो गया मुंह बना के चला। ना बात ये थी जल्दी, कोई बात करने वाली थी। जल कुकड़ी हो गई, जल कुकड़ी तो ऐसी बात करते बहू के बाद। अरे मैं कोई जल कुकड़ी नहीं हुई, ये हो गया जोरू का बुला मेरी तरह। हाँ, तुमने तो बड़े मेरे नखरे उठाए। गुलाम ही हूँ कुछ कर ही नहीं सकता, जो मुझे आधा बग दे दी है। क्या करते हो तुम मेरे लिए, है पहले बताओ तो सही। हर वक्त तो गूंगे मुंगे बने बैठे रहते हो, कभी प्यार से बात ही नहीं की, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त झगड़ा। ये तो इल्जाम है भाई, इल्जाम है, सरासर इल्जाम है। हाँ बेटा हाशिम का निकाह कहाँ हुआ है? वो उन लोगों ने खुद ही निकाह कर लिया था। अच्छा, लेकिन वलीमा हमारी तरफ से हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा धूमधाम से कर रहे हैं। हाँ कल चलेंगे ना इंशाल्लाह, हम जरूर आएंगे कल। जी बिल्कुल। बेटे तुम रुकने के लिए कब आओगी? बहुत जल्द आऊंगी अम्मी। शाजिया चलें, काफी देर हो गई है। जी मामू अम्मी इजाजत। दिल तो नहीं चाह रहा बेटा, इतने दिनों के बाद तो तुम आई हो। अरे बाजी कल जाएंगे ना हम, फिर आप खूब मिल भी लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। जी बिल्कुल। चलें अब मुझे इजाजत दीजिए। कैसे जाओगे तुम लोग, मैं छोड़ देता हूँ? बस नहीं अंकल, हम यहीं से रिक्शा ले लेंगे, हम चले जाएंगे। भाई नहीं है, उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मेरी बीवी है वो, उसको देखो फौरन चली गई। आशु का वलीमा खत्म हो जाए फिर बात करता हूं मैं, ऐसे गुजारा नहीं होगा मेरा। ख्वाहिशें अपनी जो कागज की तरह जलती हैं, रोज ही डूबते सूरज की तरह।